राधे राधे सेवा समिति द्वारा पोटिया कला स्थित भागवत आश्रम में 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ भगवताचार्य पंडित कालेश्वर प्रसाद तिवारी अपने श्रीमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण करा रहे हैं। राधे राधे सेवा समिति द्वारा पोटिया कला स्थित भागवत आश्रम में 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा आयोजित की जा रही है। कथा के चौथे दिन शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया गया। भगवताचार्य पंडित कालेश्वर प्रसाद तिवारी ने कथा का वर्णन मधुर भजनों के माध्यम से किया। पांच दिवसीय आयोजन को लेकर भगवताचार्य पंडित कालेश्वर प्रसाद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी तो वहीं आयोजक रहे राजेश श्रीवास्तव ने भी इसका उद्देश्य बताया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमने बच्चों को ही शिवगण मनाया है। कारण क्या है कि बच्चों में हम भक्ति भाव जागृत करना चाहते हैं और उनका संस्कार जागृत करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में देखा गया है कि धर्मांतरण बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहा है। जब तक हमारे बच्चे अपनी संस्कृति अपने संस्कार को नहीं जानेंगे तब तक के ये सब सारी समस्याएं पैदा होती रहेगी। बच्चों को जागृत करना जरूरी है और अपने संस्कार सिखाना जरूरी है। सिर्फ ये उद्देश्य था हमारे आयोजन का। आयोजन किया गया राधे राधे सेवा समिति के द्वारा शिवकथा का पंचदेशी शिवकथा का आयोजन किया गया भागवताश्रम पोटिया कला में। आज चौथा दिन है और आज शिव पार्वती का विवाह हुआ, जो बहुत शानदार तरीके से शिव पार्वती का विवाह हुआ। साथ में शिवगण भी उपस्थित थे। इतना शानदार आयोजन और ऐसा आयोजन आप सभी को उपस्थित होना चाहिए, सभी को शंकर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। हम सबको लेकर के राधे राधे सेवा समिति को लेकर के एक उत्सव करें, एक कार्य करें, धर्म का कार्य करें जिससे सबको लाभ हो। हाँ, तन से भी मन से भी धन से भी एक विशेष भाव बने, क्योंकि जीवन में तन मन धन छाया है नहीं, वस्त्र और भोजन ही जरूरी है, लेकिन सब ईश्वर के द्वारा ही होता है। सबका मालिक एक नारायण है और नारायण को शक्ति देने वाले मेरे शिव भगवान है, देव महादेव है, ब्रह्मा जी अभिमान के विष्णु जी अभिमान के मैं बड़ा, लेकिन बीच में खंभा खड़ा। अब बताओ कौन बड़ा, बोलना पड़ गया ओ हो, अरे ये तो बीच में कौन आ गया भैया, इनके आदि अंत नहीं है। अरे ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे, ब्रह्मा जी केकी फूल को लेकर के आए, गवाही देना भाई हम छोर को पा लिए हैं, और विष्णु जी नीचे गए छोर नहीं पाए, अनादि है अनंत है, और ब्रह्मा जी गए हम छोर पा लिए, तब तो भगवान विष्णु के सामने ब्रह्मा के सामने देव महादेव प्रकट हो गए और कहे ब्रह्मा मिथ्या भाषण किए हो, तुम्हारे पूजा कहीं नहीं होगी। सही बात है, ब्रह्मा जी मंदिर नहीं है, है तो एक जगह पुष्कर में ही है ना। बाकी विष्णु जी को कहे विष्णु महान हो, तुम महान हो, मेरे समान हो, और फिर ब्रह्मा विष्णु को मंत्र दिए ओम नमः शिवाय, ओम निराकार नमः शिवाय साकार, पंचमुख भगवान के यानी शिव जी के वो पंचकृत करने वाले मेरे शिव हैं। इसलिए हम सोचे श्रीवास्तव जी चलो पंच दिवस महापुराण शिव का नाम गाया जाए। एक दो शिव महापुराण के आयोजन में कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन उपस्थित हो रहे हैं। कथा सुनते ही श्रद्धालु भजनों पर झूमते भी नजर आ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।